रहमान रहीम। आज यहाँ पे एक टीम जो कि मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पुंछ की जानिब से, जिसके सरपरस्ते आला MM पठान साहब हैं, उनकी एक टीम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुई गूंथल और पमरोड के इस इलाके में, जिसमें आज तक कोई भी NGO वाला यहाँ पर नहीं पहुँच सका। तो आज इन लोगों ने यहाँ पर घर घर जाकर बहुत सारे लोगों को जो मुस्तहिक थे इस मामले में, गरीब थे और लॉकडाउन की वजह से जिनके कारोबार नहीं चल रहे थे और घरों में वो एक कैदी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनका कोई कारोबार नहीं था, तो इन लोगों ने अचानक ही आकर ना जाने किस तरीके से सर्वे किया और बिल्कुल मुस्तहिक लोगों के घरों तक, उनके दरवाजे तक उनको राशन जो है वो पहुँचाया गया है। तो मैं दुआ करता हूँ कि ये सोसाइटी जो है ये इसी तरीके से तरक्की करती रहे और तमाम लोगों को भी इसमें साथ देना चाहिए, ताकि ये जो पैसा है गरीब यतीम मसकीन और बेवाओं तक ये पैसा जो है ये पहुंच रहा है। ये कोई दिखावे की बात नहीं है। आज ये बाइट देने का ये मकसद है कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि आप भी इसमें हिस्सा लें, हम सभी मिलकर इसमें हिस्सा लेंगे, ताकि उन लोगों मुस्तहिक जो लोग हैं उन तक कुछ ना कुछ राहत जो है वो पहुंचाई जाए, राशन पहुंचाया जाए। तो वो भी दवा करेंगे और हमारी भी दवा है कि ये सोसाइटी जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती रहे। खुदा हाफिज़। आज हमने मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानब से बहसीत मेंबर मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, हमने आज सुरनकोट के एरिया पमरोड और गोंथल के एरिया में अपने मेंबर्स के ज़रिए वहाँ पर सर्वे करवाया था जो मुस्तहिक लोग थे। तो इस सोसाइटी की जानब से आज हमने वहाँ पर जो है वहाँ के मुस्तहिक लोगों तक कुछ राशन जो अपनी सोसाइटी की जानब से हमसे हो सका था पॉसिबल, हमने वो किया और वहाँ तक उनको डोर स्टेप पर जो है वो राशन पहुँचाया। ये यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम अपने जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि जो आप पैसा इस सोसाइटी को डोनेट कर रहे हो वो पैसा आपका मुस्तहिक लोगों तक पहुँच रहा है, वो कहीं रायगा नहीं किया जाता है। तो हम और भी बाकी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे इस सोसाइटी के साथ जुड़ें और इससे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इसमें अपना ताउन पेश करें, ताकि इस कोविड के दौरान जो लोग, जो मज़दूर पेशा लोग जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनको जो फाकाकशी का शिकार हो रहे हैं, कम से कम अगर कुछ नहीं हो सकता है तो थोड़ी सी मदद जो हम उनकी कर सकें, ताकि वो फाकाकशी का शिकार ना हो सके।